गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतरंगी डीआईवाई चैनल में। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी एक मज़ेदार सा डीआईवाई लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये डीआईवाई काफ़ी ही यूजफुल है, तो ज़रूर इसे देखना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले डीआईवाई करते हैं, उसके बाद में सिनेमेटिक्स इंजॉय करो। चलिए आज का डीआईवाई शुरू करते हैं। आज के डीआईवाई के लिए हमें चाहिए एक कोई भी टी शर्ट, आप जो भी यूज़ कर रहे हो, मतलब पुराना हो गया हो, वो एक टी शर्ट चाहिए और एक रोप चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो बैग की साइज़ चाहिए वो साइज़ का ये टी शर्ट से कपड़ा कट कर लेना है। तो हमारा मेन पार्ट जो है वो कट करके हो चुका है, हमारे पास ऐसे दो पीसेस होंगे, ये रहे। अभी हमें क्या करना है, इनकी जो लंबी वाली साइड है उसे हमें ऐसे फोल्ड करके सिल देना है पूरा। तो ऐसा करते हैं, एक ये साइड और ये साइड ऐसा करेंगे, दोनों को कर लेंगे। दोनों साइड्स सिल के हो चुके हैं, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, आउटर साइड है उस पर हमें एक लूप बनाना है, मतलब देखो इसको बस ऐसे करके यहाँ से सिल देना है ताकि हमारी जो रोप है वो इसके अंदर जा सके। इसके साथ जो बचा हुआ कपड़ा था हमारे टी शर्ट का, उससे हम दो पीसेस काटेंगे, इसे दो पीसेस लेंगे और इसे फोल्ड करके दो पीसेस बनाएंगे ऐसे। तो हमारे दोनों ये भी पीसेस रेडी है, और हमारे जो लूप्स हमने जो बनाए थे, ये जो आप देख रहे हो, ये भी हमने सी दिए है अभी। अभी क्या करना है, तो आप सोचोगे कि ये पीस कहाँ से आया, तो जो मेरा इसका सेकंड पीस था ये वाला, तो उसको मैंने गलती से कट कर दिया। तो ये ध्यान में रखना कि आइडेंटिकल पीसेस होते हैं तो ध्यान भटक जाता है, तो इसे फेंक देते। वैसे ही मैंने एक और पीस बना लिया है। तो अभी क्या करेंगे, जो भी ये जो सिलाई वाली साइड है उसे हम नीचे कर देंगे ऐसे, कुछ ऐसे। ये जो पीसेस हमने बनाए हैं इसे एक पीस को बेंड करके यहाँ पे रख देंगे ऐसा, एक यहाँ पे और एक उसी के नीचे यहाँ पे ऐसे, ताकि ये लूप बन जाए। जो सेकेंड वाला पीस है उसे भी हम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसकी सिलाई हम ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये जो बचे हुए तीन साइड है इन्हें सिल देना है, जो ये लूप वाला साइड है उसे नहीं सीना है, सिर्फ यहाँ से चालू करेंगे ऐसे घुमा के लेके आएंगे यहाँ तक। सिलाई करके हो चुका है, ये देखो ये पार्ट जो है ना लूप वाला, इसे हमें सिर्फ छोड़ना था, बाकी सब तीनों साइड सी देनी है। तो ये हो चुका है, अभी इसे क्या करना है, इसे अंदर हाथ डाल के ऐसे सिर्फ बाहर निकाल देना है। तो अब हमारी जो बैक की मेन बॉडी है वो तो रेडी हो गई, अब इसके स्ट्रैप्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए रोप्स, दो टुकड़े चाहिए रोप के, आपके हिसाब से मतलब जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उतने लेंथ का रोप लीजिए। और मैंने क्या किया है, एक साइड पे टेप लगा दिया है ताकि हमें इसमें डालने के लिए आसानी हो, या फिर आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या करेंगे, एक रोप का टुकड़ा लेंगे, उसको यहाँ से डाल के
पूरा घुमा के वापस यहाँ से निकालेंगे और दूसरा ये साइड से करेंगे। रोप्स हमारे हो चुके हैं, यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल दिया और ये वाला यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल दिया। अब करना क्या है, जो हम लोगों ने नीचे लूप्स लगाए थे उस एक एंड को डालेंगे और ये जो दूसरा एंड है इस पर नॉट बांध देंगे ऐसे दोनों को एक साथ करके। एकदम टाइट नॉट बांध देंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया और हमारी बैग जो है वो रेडी हो गई है। जब भी खोलना होगा आपको सिर्फ इसे स्ट्रेच करना है और जब टाइट करना है तब इसे बस खींच देना है। When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. कैसा लगा आपको ये DIY, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। काफ़ी यूजफुल है और इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं, मतलब मेरे केस में ये साइड से भी और ये साइड से भी। ऐसे ही मज़ेदार DIY देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, स्टे ट्यून्ड और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं ऐसे एक नए और अच्छे DIY के साथ, क्रिएटिव DIY के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।